सरकार की तरफ से स्पष्ट साफ शब्दों में यह कह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सीएए की तर्ज पर दंगा फैलाने की कोशिश थी और इसके लिए जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट बनी और किस तरह से विदेशी फंडिंग इस मामले में की जा रही थी उसे लेकर अब प्रवर्तन निदेशालय भी सक्रिय हो गया है। हाथरस को शाहीनबाग मॉडल बनाने की कोशिश थी क्या? अनुराग भदौरिया जी, मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे लगता है कि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। अरे आप उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी हैं। आप ये बताइए कि हाथरस में रात के अंधेरे में जिस बच्ची को आपने अंतिम संस्कार किया उसके डीएम को सस्पेंड क्यों नहीं किया आपने? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उसके परिवार को उसका चेहरा क्यों नहीं देखने दिया? इसके बारे में भी नहीं बोलते एक बार भी? आप हाथरस जाने की नहीं सोचते? पीड़िता के घर जाने के मिलने की आप कोशिश भी नहीं करते कि जाए पीड़िता से मिला है उनसे पूछे क्या हो रहा है? उसके घर के अगल बगल में पंचायत चल रही है वहां पे जातीय दंगे की पंचायत कौन कर रहा है? सरकार को तो मालूम है, सरकार क्यों नहीं उनको अरेस्ट करती है? फिर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ फिर 6 साल की बच्ची के साथ हाथरस में अभी अन्याय हुआ तो क्या ये भी जाती दंगा है? लगातार अभी हुआ हाथरस में 6 साल बच्ची के साथ, ये किसकी साजिश है? 6 साल बच्ची के साथ हापुड़ में हुआ था वो किसकी साजिश थी? भदोही में बच्ची के साथ हुआ वो किसकी साजिश थी? लखीमपुर में बच्ची के साथ हुआ वो किसकी साजिश थी? उन्नाव में बच्ची के साथ हुआ वो किसकी साजिश थी? और मुख्यमंत्री जी आपके तो गोरखपुर में भी हुआ था बच्ची के साथ, वो किसकी साजिश थी? लगातार बच्चियों के साथ चाहे आजमगढ़ की बात हो चाहे बलरामपुर की बात हो चाहे बुलंदशहर की बात हो लगातार। अच्छा अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में बच्ची के साथ अन्याय हुआ वहां किसकी साजिश थी? इसके मतलब लगातार बच्ची के साथ अन्याय होगा जब विपक्ष रोड पे आएगा, जब आपको लगेगा कि सत्ता समाजवादी पार्टी रोड पे आ गई और आपकी सत्ता हिलने लगती है तब आपको इशू को डाइवर्ट करने के लिए इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं कि चलो ठीक है। आपका आरोप है कि सरकार इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा भी आ जाए तो उससे आपके इस सवाल का हम जवाब लेंगे। चलिए संबित पात्रा जी भी आ गए हैं हमारे साथ। संबित पात्रा जी, डॉक्टर संबित पात्रा, आरोप यहां पर यह लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जी विपक्ष की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि यहां पर घटना से ध्यान हट जाए इसके लिए सरकार ऐसा कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये 4 गिरफ्तारियां हमारे सामने दिखाई देती है, जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट दिखाई देती है। लेकिन ये समझना होगा आज हम सबको कि ये 2 अलग मामले हैं। हाथरस में पीड़िता को इंसाफ मिले ये अलग बात है और दंगों की साजिश को लेकर जो तार जुड़ रहे हैं वो अलग बात है। डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए मीनाक्षी जी आपने बिल्कुल सही कहा, 2 अलग विषय हैं। पहली बात है जहां तक हाथरस की पीड़िता का सवाल है इसमें कोई दो मत नहीं है कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इसी कारण से हमने देखा है कि इस प्रकार से एक समयबद्ध तरीके से SIT का गठन किया गया है। SIT को समयबद्ध रूप से इसके नतीजों को देना पड़ेगा, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, वो काम तो चल ही रहा है। CBI की इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी पेशकश मुख्यमंत्री साहब ने किया है और अगर नार्को टेस्ट की आवश्यकता पड़े तो वो भी किया जाएगा, किसी प्रकार से भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 1, जहां तक इस पूरे मसले का फायदा उठाते हुए, राजनीतिक फायदा उठाते हुए कुछ लोग उत्तर प्रदेश में दंगों की परिस्थिति को बनाना चाहते हैं वो एक अलग विषय है, वो एक अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमने देखा है किस प्रकार कुछ लोगों ने पैसे देकर, टेलीफोन रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी देखा है, कुछ लोगों ने पैसे देकर ये ल्योर करने की कोशिश की है, परिवार को आकर्षित करने की कोशिश की है कि आप इस प्रकार से कुछ डिमांड करिए और इंतजार करिए प्रियंका गांधी आएंगी तो वो इन पूरे विषयों का संज्ञान भी लेंगी। हमने यह भी देखा है कि किस प्रकार फेक न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है। लगभग 19 FIR, 21 में से 19 FIR जो हुए हैं वो FIR फेक न्यूज सोशल मीडिया में जो है उनको लेकर हुए हैं, झूठी तस्वीरें झूठे वीडियो, इनके माध्यम से जातिगत दंगे फैल जाए, धर्म के आधार पर बलरामपुर में दंगे फैल जाए यह कोशिश की जा रही है। हिंदू मुसलमान को लड़वा दो, ठाकुर और दलितों को लड़वा दो। और एक स्टेटमेंट आप देखिए, एक नेता है कल उसने एक स्टेटमेंट दिया, जो भी व्यक्ति मुझे ठाकुर की लड़की ला के देगा मैं उसे करोड़ों रुपए दूंगा। आप बताइए ये किस प्रकार का स्टेटमेंट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।